राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान की पूजा तो हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन क्या आप कभी कभी सप्ताह में एक बार व्रत रहते हैं? कहा जाता है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन आपको व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो एसिडिटी, गैस, दुनिया भर की बीमारी है, वह सब संतुलन होगा। जैसे आप किसी मशीन को चलाते हैं, यदि वह बिगड़ जाती है तो उसको आप कुछ दिन के लिए आराम देते हैं, वैसे ही अपना शरीर है, पाचन क्रिया है, आप प्रतिदिन खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, और आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। परहेज हर इंसान नहीं कर सकता, परहेज करने के लिए भी इंसान को अपना मुंह को बंद करना होता है, तभी परहेज होता है। यदि आपको कुछ बीमारी हो तो आप एक समय हल्का भोजन करें, खिचड़ी खाएं, दलिया खाएं, मूंग दाल खाएं, और पौष्टिक खाना खाएं, तेल मसाला मिर्च ना खाएं, तो देखिएगा आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और सप्ताह में एक दिन व्रत अवश्य करें। कहा जाता है कि पाचन शुद्धि, पाचन तंत्र की शुद्धि हो जाती है। बस आप पानी पिए, फल फूल खाएं, जूस पिए, देखिएगा कि आपको खुद फर्क पड़ेगा, कितना हल्का आपको महसूस होगा। सप्ताह में एक दिन का व्रत आप अवश्य करें। यदि नहीं कर सकते आप व्रत, तो कम से कम किसी दिन शाम को भोजन हल्का खाएं, किसी दिन भारी खाएं, लिमिट बनाकर रखें, तो देखिएगा आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपकी पाचन क्रिया भी ठीक होगी। हम आपको यह सलाह आपके अच्छे के लिए दे रहे हैं। यदि आपको हमारी ये टिप्स अच्छी लगती है तो आप इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं और फिर हमें बताएं कि आपको क्या फर्क पड़ा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओम सनम। मैं मीना गुप्ता आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आप हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें और नई नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए ओम साईनाथ।